पांच बड़े युद्धों पर जो हर साल की तरह इस साल भी ईद उल जुहा के मौके पर तमाम ईदगाह के अंदर बारिश को मद्देनजर रखते थे, मोहर्रम का और कई जगह पर बारिश खतर का और कई जगह पर प्रेशर डस्ट का काम ईदगाह के अंदर काम किया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह शाम तक इन तमाम ईदगाह के अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे बड़ा ईदगाह कुतुबशाही पांच से ऑनटॉप ईदगाह और जिसके बाद आज हकीम शाह बाबा ईदगाह जो अभी इस साल इस ईद उल जुहा के मौके पर करीब करीब 2 एकड़ जमीन के ऊपर नया ईदगाह एक्सटेंड किया गया और उसी तरीके से पिंचरपुरा ईदगाह के अंदर भी शाबाद फ्लोरिंग का काम किया गया और कुछ काम बाकी है, इंशाल्लाह उस काम को भी मुकम्मल किया जाएगा और एक खाना जो पांच खाना ईदगाह है उसके अंदर भी काम जारी है और उसी तरीके से जो बस्तियों के जो जाम मस्जिद बड़े मसाजिद हैं उन तमाम मसाजिद के सामने साफ सफाई और तमाम इलाके जात के अंदर जो कुरबानी चिरम देते हैं उसी घरों के अंदर भी जीएचएमसी की जानिब से पॉलिथीन कवर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह तमाम बारिश को मद्देनजर रखते हुए और मौसम को मद्देनजर रखते हुए जहां तक हो सकता है हल्के कारवान के तमाम मसाजिद के सामने साफ सफाई और बीटी के पैचेस और इन तमाम चीज़ों का मसाजिद के सामने किया गया। ईदगाहों के अंदर भी काम इंशाल्लाह शाम तक मुकम्मल होने के इम्कान है। मैं फिर एक बार इस मीडिया के जरिए हल्के कारवान के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपके इब्तदाई सदर मुतमदीन या आपके कारवान के जो भी काउंसलर से आपके इलाके के उन तमाम के पास पॉलिथीन कवर रखे गए हैं वहाँ से हासिल कर सकते हैं और किसी को ना मिलने पर मुझको फ़ोन पर बताइए, इंशाल्लाह आपके पास इन तमाम चीज़ों को पहुँचाने की पूरी कोशिश किया जाएगा। और फिर एक बार इस मीडिया के जरिए आप तमाम से अपील गुजारिश करता हूँ कि सदर मोहतरम की सेहत के लिए और उनकी कामयाबी के लिए, हबीब मिल्लत की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए और जमात की कामयाबी के लिए, जमात की मजबूती के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।